हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूं कि कुछ कंपनियां होती हैं जो लड़कों को, फ्रेशर लड़कों को, ठीक है ना, ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो फ्रेशर लड़कों को लोग बोलते हैं कि 2 महीना 3 महीना आप बिना आर्टिकल के काम कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आर्टिकल उसके बाद देंगे, 3 महीने के बाद, ठीक है ना, 3 महीने बाद 2 महीने बाद 4 महीने बाद वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ इसी टॉपिक पे, ठीक है ना। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फिर बहुत सारी कंपनियां हैं क्या एजेंट के थ्रू लोग बोलते हैं कि आपको मैं 2 महीने 3 महीने के लिए भेज रहा हूँ बिना आर्टिकल का, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल दे दूँगा, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं फ्रेशर लड़कों को। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी मत फंसिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, कुछ एजेंट्स होते हैं या कुछ कंपनियाँ भी होती हैं, क्योंकि पायलट बोट हुआ या स्मॉल स्मॉल बोट हुए जिस पे लड़के नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग नए नए लड़कों को, फ्रेशर लड़कों को वो लोग फंसा लेते हैं, ठीक है ना। उनको वो बताते हैं कि आपको 1-2 महीने आप बिना आर्टिकल के चले जाइए, उसके बाद आपको हम आर्टिकल दे देंगे, ठीक है ना। ये लोग पैसे भी ले लेते हैं और विदाउट आर्टिकल के भेज भी देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ कंपनियां भी होंगी तो वो लोग विदाउट आर्टिकल के भेजते होंगे, ठीक है ना। तो वो लोग बाद में आर्टिकल देते हैं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपको आर्टिकल देंगे, लेकिन आपका ये जो 3 महीना 4 महीना बर्बाद हुआ, इसका क्या, हाँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग विदाउट आर्टिकल मत जाइएगा, ठीक है ना। जब तक आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा आप मत जाइएगा, कोई कितना भी बोले, ठीक है ना। देखिए, आप एक बहुत सारे एजेंट बोलेंगे आप पैसा कम दे दीजिए, ठीक है ना, आप 70,000-80,000 रुपये दे दीजिए, अब चले जाइए बिना आर्टिकल के 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए, ठीक है ना। तो पैसा भी कम लग रहा है आपको, सैलरी भी 10,000-12,000-15,000 दिला देंगे वो एजेंट, बोलेंगे कि सैलरी भी ठीक ठाक आपको मिल रहा है, 2 महीने बाद आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा, ठीक है ना। वो लोग ऐसा आपको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आप 70,000-80,000-90,000 या 1,00,000 रुपये अगर आप दे के जा रहे हैं विदाउट आर्टिकल, तो इससे अच्छा है आप 1-1.5 लाख रुपये 50,000-60,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा दीजिए, जिसमें 1.5 लाख रुपये तक आप किसी अच्छे एजेंट को दे के आप चले जाइए, अच्छे सिप पे चले जाइए विथ आर्टिकल, ठीक है ना। वो लोग आपको आर्टिकल भी देंगे, अच्छी कंपनी ज्वाइन कीजिए अगर आपको पैसा ही देना है तो, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी ही कंपनी में जाइए, ये सब एजेंट के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है ना। कोई कितना भी बोले कि आप चले जाइए बिना आर्टिकल के, बिना आर्टिकल के आप मत जाइएगा। कितना भी अच्छी कंपनी हो, बोलेंगे कि आपको 2 महीने बाद आर्टिकल मिल जाएगा, 3 महीने, आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। जितना आप 2 महीना 3 महीना बिना आर्टिकल के काम कीजिएगा, जब तक आपको आर्टिकल मिलेगा नहीं, मास्टर चेकर पे वो अपडेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप एक हिसाब से फ्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, आपका सी सर्विस काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ लड़के हैं वो हमसे बताए हैं तो हमको पता चला, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश कीजिए किसी अच्छे एजेंट को थोड़ा और पैसा बढ़ा के दे दीजिए, वो आपको अच्छे सिप पे भेज देंगे, ठीक है ना। बट आप ये लालच में मत आइएगा कि बिना आर्टिकल के 2 महीने काम कर लेंगे, उसके बाद आर्टिकल मिल ही जाएगा, फिर हमको सिप पे भेज देंगे, अच्छे अच्छे जहाज़ों पे भेज देंगे। तो ये सब एजेंट आपको लालच देते हैं। तो आप लोग उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसिएगा, ठीक है ना। आपको वही पायलट बोट या ऐसे बोट में भेज देंगे जिसमें कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है ना। ना आपको खाने का सही से मिलेगा, ना एसी रहेगा, ठीक है, ना सोने को सही से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी उस पर, ठीक है ना। तो एजेंट लोग ऐसी ही जगह पर आपको भेज देंगे बिना आर्टिकल के। तो दोस्तों, आप लोग विदाउट आर्टिकल मत जाइएगा, ठीक है। आपको आर्टिकल मिलना चाहिए, मास्टर चेकर पे अपडेट होना चाहिए, तभी आप जाइएगा, ठीक है ना। तो इन लोगों को 80,000-90,000-1,00,000 रुपये देने से अच्छा है 1.5-2 लाख किसी अच्छे एजेंट को देके आप अच्छी कंपनी में चले जाइए, ठीक है ना, विथ आर्टिकल। इधर उधर मत ज़्यादा परेशान होइए, ठीक है ना।
क्योंकि लड़के फंस जाते हैं, आपका टाइम बहुत लॉस होता है, ठीक है। 2 महीना 3 महीना मायने रखता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या गारंटी है, अगर वो आर्टिकल आपका नहीं दिए तो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो आर्टिकल नहीं दिए तो क्या करोगे? बोलोगे कि अब हम उतरेंगे, हम घर जाएंगे, ठीक है चले जाओ। 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद वो कर दें, बोलेंगे अपने टिकट निकाल लो, अपना जाओ, मैं नहीं जानता। वो लोग हाथ खड़ा कर देंगे, आपको फंसा देंगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे? क्या गारंटी है? वो देंगे ही देंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए यार दोस्तों, विदाउट आर्टिकल मत जाइएगा, ठीक है ना। लड़के फंस जाते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, तभी आप जाइएगा। आप विदाउट आर्टिकल चले जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है ना। कोई कितना भी बोले मैं आपको फ्री में भेज रहा हूँ, या कुछ पैसे दे दो, 40,000-50,000 रुपये, इतना कम पैसा ले रहा हूँ, इतनी अच्छी सैलरी दिला रहा हूँ, 2-3 महीने की ही बात है, तो आप फंसने वाले हो, इतना जानिए, बिल्कुल आप फंसने वाले हो। तो आप अगर कोई ऐसा बोलता है आपको, तो आप वहाँ से उठिए और चले जाइए, ठीक है। इससे अच्छा किसी अच्छे कंपनी में जाइए, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन होता है ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, किसी एजेंट के पास चले जाइए, वो अच्छे एजेंट के पास जो आपको जेन्युइन कंपनी में भेजता है, ठीक है ना, भेज देगा। तो आप किसी अच्छे एजेंट के ही पास जाइए, ठीक है ना, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट देगा, आपको अच्छे जहाज दिला देगा, ठीक है ना। आप ये आलतू फालतू एजेंट के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स नए नए लड़कों के लिए है, जिसको एक्सपीरियंस है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बट जो लड़के फ्रेशर हैं, जो जीपी रेटिंग कोर्स करके आते हैं जॉब ढूंढने के लिए मुंबई में, तो ऐसे एजेंट ऐसे ही लड़कों को, फ्रेशर लड़कों को फंसा लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं रहता है, ठीक है ना, पता नहीं रहता है, उनको फंसा लिया जाता है। तो एजेंट लोग कहते हैं ना, नए नए लड़कों का ऐसा माइंड वॉश करेंगे ना कि हमारी बातें भी आपको झूठी लगेंगी, ठीक है ना, एजेंट ऐसा आपका माइंड वॉश कर देगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिए आप लोग एजेंट से दूर ही रहिए, ठीक है ना। अगर आपको एजेंट के थ्रू जाना है, अच्छे एजेंट के थ्रू जाइए, थोड़ा पैसा ज़्यादा लेगा, लेकिन आपको सिप अच्छा दिला देगा, ठीक है ना, अच्छा खासा सैलरी दिला देगा, अच्छी जगह आपको भेज देगा, ठीक है ना। लेकिन जो एजेंट लोग बोलते हैं 1-2 महीने के लिए बिना आर्टिकल के चले जाइए, बिल्कुल भी मत जाइएगा, नहीं आपको पायलट बोट और ऐसे खराब खराब टग बोट में भेज देंगे, जिसमें एकदम बदबू आता रहेगा, ठीक है ना, खटमल से भरे पड़े रहेंगे, ना एसी रहेगा, ना खाने को रहेगा, ना सोने का बिस्तर सही से रहेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है ना, अलर्ट रहिए, ठीक है, बिल्कुल भी किसी भी एजेंट से मिलिए 100% उस पर भरोसा मत कीजिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए, जिससे उनसे कुछ पूछिए, ठीक है ना, ऐसे ही आप 100% भरोसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा, अगर एजेंट के थ्रू ही जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे एजेंट के साथ, अच्छे एजेंट के थ्रू जाइए, इधर उधर मत भटकिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग फंसे मत, ठीक है ना, फंसेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको बताया, क्योंकि एक दो लोग मैसेज किए थे ऐसे हमको बताए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ वीडियो के जरिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जैसे दूसरे लड़कों को जो फ्रेशर है उनको भी पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।